चूहे चाहे नहीं आएंगे अब, हाँ नहीं तो चूहा आए के सबने, सिर्फ मैंने सब को लोगों को दिया। मेरी माँ कह रही थी कि मैं रोने लग गई थी, क्या थे कूटूंगी इसे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज के ब्लॉग की हो रही है नए दिन के साथ शुरुआत। तो अभी मैं और रॉक्सी जा रहे हैं इधर स्कूल की साइड पे घूमने के लिए। तो यहाँ है हमारी स्कूल और यहाँ तक थोड़ा सा एक सिनेमैटिक्स लेंगे अपने इन पहाड़ों का, इन खूबसूरत पहाड़ों के सिनेमैटिक्स, अल्टीमेट सिनेमैटिक्स आते हैं। तो चलो फटाफट से लेते हैं। बाकी मौसम ना यार यहाँ का बहुत चेंज हो रहा है। कल न दिन में मतलब 1:30-2 बजे के करीब दो चार मिनट के लिए बूंदाबांदी हुई हल्की सी। और मैंने आपको जैसे कि सुबह ही बता दिया था कि यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। 2-4 मिनट बूंदाबांदी हुई और उसके बाद फिर बंद हो गया। और बाकी ना अभी मौसम पर पूरा ना धुंध टाइप का सा है, मतलब पूरा क्लियर विजिबिलिटी नहीं है जैसे धूप होनी चाहिए ना, उस टाइप की धूप नहीं है। तो चलो करते हैं फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ और नए हसीन हसीन पहाड़ों के साथ और नई लाइफ स्टाइल के साथ। तो हेलो गाइस, फाइनली यार हम पहुंच गए घर में। और आज घर में ना कुछ काम नहीं है ना, बोरिंग हो रही है बहुत यार। कसम से काम होता ना तब टाइम पास हो जाता है यार, अगर काम ना होना तो बोरिंग हो रही है और दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा घर में। और अभी ना यहाँ पर परसों बाबा गेहूँ लाए थे राशन की, तो ये गेहूँ डाल रखे सुखाने के लिए। अब इनको शाम को बनाना होगा, मम्मी बनाएगी इनको, मतलब इनका जो डस्ट है ना इस पर गेहूँ के जो डस्ट होती है उसको बाहर निकालेंगे। और यार आज ना बहुत बोरिंग आ रही, बहुत बोरिंग, काम ही नहीं है यार कुछ, क्या करूँ मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या करूँ। तो यार देखते हैं कुछ ना कुछ तो करते हैं, नहीं तो शाम को तक करेंगे। तो गाइस यहाँ बारिश लग गई यार, ये देख रहे हो आप भाई, धूप भी लग रखी है, ऐसे नहीं कि धूप नहीं है, धूप भी लग रखी है, बारिश भी हो रही है यहाँ। तो यार ये उत्तराखंड का ना नेचर है भाई। और इधर देखो तुम, हवाएं चल रही है भयंकर वाली। अभी अभी पता नहीं क्या हो गया आसमान को, अभी तक तो ना आसमान आवाज़ कर रहा था, गड़ 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 आवाज़ कर रहा था, भयंकर वाली गड़ गड़ की आवाज़। तो यार पता नहीं अभी अभी क्या हो गया मौसम को, ये देख रहे हो। और मैं कस्तूर जा रखे थे थोड़ा घूमने के लिए, बहुत दिन से ना जब से मैं भाई घर आया हूँ ना, मैंने साइकिल चलाना छोड़ दिया यार भाई साहब। तो मैंने सोचा जरा थोड़ा घूम के आऊँ यार इधर से, देख सकते हो यार आप मौसम इधर तो बिल्कुल ब्लैक हो रखा, ब्लैक आउट, ये देख रहे हो आप बिल्कुल काला हो रखा है। इधर मौसम ना कहीं साफ हो रखा है, कहीं ये देख सकते हो आप ये धूप निकल रखी है यहाँ पर। और धूप ना सिर्फ इसी जगह है, बाकी ना अदर जगह में धूप नहीं है, इधर है थोड़ा थोड़ा हल्का, बाकी इधर पीछे की साइड ना पूरा का पूरा अंधेरा हो रखा है। और बारिश ना उधर की साइड से ही आ रही है, कई बार ऐसा होता था कि हमारे जंगल से आती थी यहाँ से, बट इस बार यहाँ से नहीं आ रही बारिश यार। अब इस बारिश ना यहाँ नीचे से आ रही है, अब पता नहीं कितनी देर रहती है। तो मुझे निकलना होगा घर की तरफ यार, घर में ना बहुत सारे काम है उनको देखता हूँ पहले मैं यार। घर में ना डाल रखे हमने गेहूँ गूँ डाल रखे हैं, तो फटाफट से उनको उठाना है यार। मैं निकलता हूँ घर की साइड, मैंने सोचा था थोड़ा कस्तूरी को लेकर चलता हूँ मैं आगे, बट ये तो गड़बड़ हो गई यार। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग सुप्रभात। और आज के ब्लॉग की हो रही है रश्मिरो के घर से शुरुआत। तो यार अभी हम रश्मिरो के घर में बैठ रखे हैं और ब्लॉग तो हमारा सुबह से स्टार्ट हो चुका है, आप भी ब्लॉग को शुरू से देखो सुबह सुबह से। तो कल का ब्लॉग ना यार हमारे बारिश के बाद बंद हो गया था, तो कल की ब्लॉग की कुछ वीडियो फुटेज जो मैंने कलेक्ट करी थी वो सारी की सारी डिलीट हो चुकी थी, तो कल मैंने ब्लॉग ही अपलोड नहीं किया। तो आज ब्लॉग आधा जो जितना वो सारा का सारा मैंने जो बारिश तक का जो मैंने बता रखा है वो आप इंजॉय करो, और उसके बाद का जो है ना फिर आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली में टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, 11:50 हो चुकी है और सुबह से टाइम ही नहीं मिला, ऐसे ही फोटो वीडियो बनाने बनाने में लग गया। तो मैंने सोचा इंट्रो बात ही में ही करूँगा। तो अभी मैं बॉडी के घर में बैठ रखा हूँ, यहाँ पर भी मैं बॉडी का थोड़ा सा काम कर रहा था, बॉडी का काम था यार, बॉडी ने यहाँ हथियारी बन रखी है, कातिल बन रखी है, डेली चूहे मार रही है यहाँ, तो डेली एक चूहा मार रही है कम से कम, जब से मैं आया हूँ ना कम से कम 15-20 चूहे मार दिए बॉडी ने, है ना। तो बॉडी मैंने सोचा यार उन चूहों का हत्या करने से बड़े ऐसा है कि उनका ऐसा जुगाड़ कर दूँ मैं कि वो बचे रहें और अपनी ज़िंदगी जी ले। तो वहाँ बॉडी के जो
वहाँ इधर उधर जो किचन में ना छेद कर रखे थे तो वो सारे के सारे मैंने बंद कर दिए, और दरवाज़ा भी था तो दरवाजे पे को मैंने फिट फोड़ कर दिया, मतलब उसमें चादर वादर लगा के सेट कर दिया। नहीं तो बॉडी ना डेली एक कातिल बनी हुई थी, और अभी जी एक चूहा फेंके मैं बाहर से आ रहा हूँ, ये है बॉडी देखो ना, तो किस चट हो रही है, चूहे चाहे नहीं आएंगे अब। हाँ नहीं तो चूहा चाहे आए के सबने, सिर्फ मैंने सब को लोगों को दिया, यहाँ पर पाठी बूठी लगाई, हाँ सब लोगों ने खाया, हाँ अब क्या खाएगा बंद कर दिया। तो यार ऐसा तो था, तो कम से कम 20-25 चूहे मार दिए बॉडी ने, डेली एक चूहा मार रही है, तो मैंने सोचा उनकी जान बच जाएगी, अब जान अब नहीं आएंगे वहाँ पर वो। तब चलते हैं फिर, जरा आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या काम किया मैंने वहाँ पर। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत बॉडी और के घर के साथ। तो गाइज आज हमारा बन रहा है चौसा भात। कौन सा चौसा? अरे चौसा सा पिज्जा ही नहीं यार, तो मर्च मसाले पीछे जा रहे हैं अम्मा, और ये चौसड़ी बना रही है काली दाल की, ये देखो, और ये हमारी हरी सब्जी, यहाँ प्रेशर लगा दिया हमने भात का, तो आज इसको बनाते हैं और फिर आगे खाते हैं। हाँ तो चौसा भात बन रहा हमारा, चौसा वो है चौसड़ी मानी रखी, काली दाल की चौसड़ी है वो भाई, हमारे चौसड़ भात के लिए तैयारी प्रिपरेशन हो रही है। ये काली दाल है और क्या हमारे इसमें, काली दाल ही है ना, ये काली दाल है, अभी इसको पीसा जाएगा तो चौसा भात बनाएंगे, आज इसको खाएंगे हम मज़ेदार से। तो गाइज हमारा फाइनली रेडी हो चुका है चौसा भात और हरी सब्जी और उधर पापड़, तो चलो फटाफट से इसको खाते हैं और फिर आपको आगे वीडियो में मिलते हैं। भाई पानी आ रहा मुंह में, तो फटाफट से स्टार्ट कर दे यार। फिनिश हो चुका है यार, मजा आ गया भाई, A1। तो एक्चुअली मैंने ये है चूहों ने काट रखा, देख लो ये दरवाजा ही काट दिया चूहों ने, इतना इतना ही पूरा का पूरा काट रखा है चूहों ने। तो मैंने इसमें ना बाहर से यहाँ फिक्स कर दिया है चादर, तो यहाँ से मैंने पूरी की पूरी चादर लगा दी, अब यहाँ से चूहे नहीं आएंगे ना ही चूहे मरेंगे, ठीक है। यहाँ से तो ये फिट हो गया, और दूसरा ना यहाँ था, ये था यहाँ पर पाइप, अब इस पाइप के अंदर से ना पहले चूहे आते थे, अब यहाँ पर मैंने जुगाड़बाजी करके लकड़ी फिट कर दी इसके अंदर, तो अब यहाँ पर चूहे नहीं आएंगे, नहीं तो बॉडी यहाँ पर चूहे धनी लगा देती थी और सीधा चूहा आता था इसके अंदर घुस के मार देती थी बॉडी उसको, तो वो भी अब नहीं मरेंगे, ये फिक्स हो गया। यहाँ पाइप था ना, और बाहर से घुसते थे वो और यहाँ से अंदर आ जाते थे, तो अब यहाँ मैंने पाइप का जुगाड़ करके इसे फिट कर दिया है, तो ये बॉडी का भी काम हो गया मेरा। और मैं नहीं चाहता मरे यार वो चूहे, यही कहीं दूसरी जगह खा लेंगे पी लेंगे, पर अंदर घस के अंदर दिक्कत करते हैं, तो ये फिक्स कर दिया, अब यहाँ चूहे नहीं आएंगे, अब बॉडी भी खुश हो गई। तो यहाँ भी इसका काम दरवाजे का पूरा फिक्स हो चुका है, अब यहाँ से कोई चूहा नहीं आएगा अंदर। तो चलो अभी तो ये काम हो चुका है, बाकी हम घर में चलते हैं और आगे देखते हैं काम का प्रोसेसिंग करते हैं फिर आगे। तो गाइस अब ये काम हो रहा है हमारा, ये आज ना मंडवे और ये जौ है, तो आज इसको ना कूटना है यार, कूटना मतलब इसको ना, ये जो इसमें व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे इनको हमने गंजले के द्वारा निकालना है, ओखली में कूटेंगे, मतलब ये हमारी ओखली है यहाँ पर, इसको कूटेंगे, और इसका जो व्हाइट वाले है ना जो मंडवे पे लग रखे ये वाले जैसे व्हाइट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे निकालने हैं, और तब निकालने के बाद इसको कूट पिसवाने के लिए जाएंगे, फिर इसका बनेगा हमारा क्या बोलते हैं उसको गढ़वाली भाषा में, उसे चूना कहा जाता है ना, तो चूना बनेगा इसका, तो जरा उसका कलर जो होता है ब्लैक टाइप का होता है, तो उसे आटे के साथ मिक्स करके हम इसे खाते हैं फिर तब। और हमारी माता जी हैं श्रीमती गीता देवी, हमारी माता श्री का नाम है श्रीमती गीता देवी, और चलते हैं फटाफट यार, मैं अभी ट्राईपॉड पे इसे लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं कूटता हूँ, कूटने का काम नरेंद्र ही करता है यार। नरेंद्र बहुत एक्सपर्ट आदमी है यार, गाइस हर काम का एक्सपर्ट है ये, नहीं है किले नहीं है, हाँ मतलब कोई ऐसा काम नहीं है घर का ना, एक भैंस पे जाने के अलावा सारे काम कर रहा हूँ मैं, बस भैंस पे जाने नहीं आती मेरे को, बाकी मैं ऑलराउंडर हूँ पूरा का पूरा, कूटने में
खाने में पीने में सब चीज में एक्सपर्ट। हेलो गाइस, एक तो हमने फाइनल कर दिया है एक गान, अब दूसरे निकालते हैं। ये बचा हुआ है, इसको निकालते हैं। मेरी माँ कह रही थी कि मैं रोने लग गई थी, क्या कूटूंगी से, तो मैंने अपनी माँ के ना रोने की आवाज पहले सुन ली थी। मेरे दिल तक आवाज पहुंच गई थी पहले अपनी मम्मी की रोने की। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कूट लूं फिर। तो हे गाइस, फाइनली यार हम कर चुके हैं, जो कोदा कूटने की प्रोसेसिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब मम्मी ने काम और बता दिया। मम्मी कह रही है कि अब जाके ना तुझे मसूर भी कूटनी यार, तो हम फटाफट से अब मसूर भी कूटेंगे। बट वो मसूर जो कूटेंगे हम, वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेगी, क्योंकि यार अभी वीडियो एडिटिंग करनी है, बहुत सारा काम है अभी। वीडियो एडिटिंग का काम करना है, उसके बाद फिर वीडियो को अपलोड भी करना है, फिर उसकी आप लोगों को पब्लिश भी करनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में जो बेल आइकन उसे भी जरूर हिट करना, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही हसीन पहाड़ों के, हसीन हसीन वादियों के साथ और हसीन हसीन लोगों के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।